दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सफेद बालों को काला करने का रामबाण घरेलू उपाय। आज के समय में लोग उम्र से पहले हुए सफेद बालों को लेकर काफी टेंशन में रहते हैं। इसके लिए वे बाजार में मिलने वाले केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। अगर आप भी सफेद बालों को लेकर तनाव में रहते हैं तो यह नुस्खा आपके लिए किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं इस नुस्खे को बनाने का तरीका। इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है एक विटामिन ई 600 वाला कैप्सूल और इस कैप्सूल का ऑयल हमें इस बाउल में निकाल लेना है कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद हमें लेना है एक चम्मच अरंडी का तेल कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद हमें लेना है एक चम्मच बादाम का तेल और यह भी हमें इस बाउल में डाल लेना है। दोस्तों, बादाम का तेल हमारे सफेद बालों की समस्या को ठीक करने में रामबाण का काम करता है। इसे बालों में लगाने से पुराने सफेद बाल काले होने में मदद मिलती है। और अंत में आपने लेना है एक चम्मच कॉफी पाउडर और यह भी हमें इसमें डाल लेना है। अब आपने इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेनी है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स हो जाने के बाद आपका ये सफेद बालों की समस्या को ठीक करने का घरेलू नुस्खा तैयार हो चुका है। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें इसे अपने बालों में लगाना कैसे है। रोजाना नहाने से पहले आपने इस ऑयल से अपने बालों की जड़ों में अच्छे से मसाज करनी है और बालों की जड़ों में अच्छे से मसाज करने के बाद आपने इसे अपने बालों में भी लगा लेना है। लगातार कुछ दिन तक ऐसा करने से आपके सफेद बालों की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।